हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए गणित का काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, यदि एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका यहां पे क्षेत्रफल ज्ञात करें। बोल रहा है कि एक खेत है जो कैसा है, अर्धवृत्ताकार, यानी ऐसा है। ये क्या है, एक अर्धवृत्त है, यानी इसी की तरह ये क्या है, यहां पे एक खेत है जिसका व्यास यहां पे 14 सेंटीमीटर दिया है। तो व्यास इसमें कौन होगा, जो ये ऊपर वाला है ये व्यास होता है। व्यास कितना दिया है यहां पे, 14 सेंटीमीटर दिया है। तो इस खेत का बोल रहा है कि यहां पे क्या निकाल दीजिए, क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो ये कैसा है खेत, तो अर्धवृत्ताकार है। तो अर्धवृत्ताकार का यहाँ पे, यानी ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। अगर आपसे पूछा कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि आधे वृत्त का यहाँ पे क्षेत्रफल, तो पूरा यहाँ पे हो जाता है पाई आर स्क्वायर, तो इसको आधा कर देंगे तो ये हो जाता है हम लोग का आधे वृत्त का क्षेत्रफल। जैसे कोई संख्या है चार, इसको अगर आधा करना हो तो किससे हम भाग लगाते हैं, दो से। तो इसी तरह यहाँ पे जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, तो इसको भी आधा करना होगा तो किससे भाग लगाएंगे यहाँ पे, दो से। तो ये निकल गया हम लोग का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पाई का मान रख देना है और यहाँ पे आर का मान। तो आर अब यहाँ पे क्या है, आर तो R यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या क्या होता है, जो व्यास होता है उसका आधा होता है। अगर व्यास को हम आधा आधा करेंगे तो ये साथ साथ क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आइए अब हल करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल और जो जो दिया है यहाँ पे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले व्यास दिया है कि वृत्त का व्यास यहाँ पे कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्त का व्यास कितना दिया है यहाँ पे, वृत्त का व्यास यहाँ पे दिया है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना पड़ेगा वृत्त का त्रिज्या, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में त्रिज्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्त का त्रिज्या जिसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, छोटा आर से सूचित करते हैं। तो वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है यहाँ पे व्यास बट्टा क्या होता है यहाँ पे दो, यानी व्यास का क्या होता है, आधा होता है। तो व्यास यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे 14 सेंटीमीटर और बट्टा दो है तो यहाँ पे लिख देंगे दो ही। और इसको कटाएंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 7 बार में, नहीं यानी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर क्या हो गया यहाँ पे त्रिज्या निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। यहाँ पे अब लिखेंगे हम अर्धवृत्ताकार क्षेत्र खेत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यही इसमें क्या होगा, लगेगा फॉर्मूला, यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और बट्टा के नीचे कितना हो जाएगा, दो। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पाई का मान रखना है और यहाँ पे आर का मान। तो पाई का मान 22/7 और यहाँ पे आर निकल गया है। तो पाई का मान हम यहाँ पे रखेंगे 22/7 गुणे यहाँ पे देखिए आर, आर का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। त्रिज्या हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर लिख दिए, लेकिन यहां पे देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये दो बार लिखा जाएगा। स्क्वायर का मतलब क्या होगा यहां पे कि साथ साथ दो बार लिखा जाएगा और बट्टा के नीचे दो है तो यहां पे हम लिख देंगे दो, एक साथ से एक साथ कट जाएगा। अब ऊपर में क्या बचा, आप लोग देख सकते हैं यहां पे कि 22 गुणे यहां पे देखिए 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुणा होगा तो यहां पे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे एक बार और देख लीजिए, यहां पे बचा ऊपर में 22, ये तो 7 कट गया, उसके बाद यहां पे क्या बचा, यहां पे 7 बचा लेकिन यहां पे 2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा के नीचे कितना बचा, दो। दो से अब जब हम 22 को कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 11 बार में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर में कितना बचा, यहाँ पे 11 और गुणे नीचे में कितना बचा, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, 11 में 7 से गुणा करना है, तो 11 में आप 7 से गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो यहाँ पे अर्धवृत्ताकार खेत का ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए अर्धवृत्ताकार खेत है, उसका यहाँ पे क्या दिया है, व्यास दिया है। तो व्यास से सबसे पहले हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा, तो व्यास का ही आधा त्रिज्या होता है, तो 14 का आधा कितना होगा, 7, ये क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो पूछा जाता है उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अर्धवृत्ताकार खेत है यानी अर्धवृत्त की तरह खेत है, तो यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई
आर स्क्वायर होता है, लेकिन वो तो आधा वृत्त है ना, तो आधा वृत्त को, आधा वृत्त का यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनता है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है, यानी पाई आर स्क्वायर बट्टा दो क्या हो जाता है यहाँ पे अर्धवृत्त का यहाँ पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अब आपको रख देना है, यहाँ पे पाई का मान रख देना है, यहाँ पे आर का मान, और यहाँ पे स्क्वायर का मतलब होता है दो बार, तो दो बार सात रख दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए नीचे में सात है तो ये सात कट जाएगा, ऊपर 22 और नीचे यहाँ पे उसके बगल में यहाँ पे सात बचा है, और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से स्क्वायर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, तो ऊपर बचा अब 11 और ऊपर भी फिर कितना बचा है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे वाला तो कट गया, अब 11 में 7 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 77 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दो नंबर प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा सेक स्क्वायर यहाँ पे 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हल, और सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन को यहाँ पे उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम साइन स्क्वायर यहाँ पे 30 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या है ऊपर में और है टेन स्क्वायर यहाँ पे 45 यानी 45 डिग्री बट्टा यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर 30 डिग्री। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए, सभी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाया जाएगा। अब इस प्रश्न को बनाने के लिए जो यहाँ पे वैल्यू का टेबल होता है 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री वो आपको याद होना चाहिए। अगर अभी भी नहीं याद किए हैं आप, तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग जल्दी याद कर लीजिएगा, क्योंकि टेबल से ही 5-7 नंबर के यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो टेबल का जो वैल्यू वाला मान होता है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो यहाँ पे अब बस आपको साइन 30 डिग्री की जगह पे क्या रख देना है 1/2, लेकिन यहाँ पे देखिए स्क्वायर है इसका, तो क्या कर देंगे इसका हम भी स्क्वायर कर देंगे। प्लस है तो अब यहाँ पे आपको प्लस देना है, कुछ भी अपने से नहीं करना है, जैसे ये बोल रहा है बिल्कुल वैसे ही करना है। 10/45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 रख देना है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे बट्टा सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/2 यहाँ पे √3 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर इसका भी स्क्वायर है तो यहाँ पे कर देंगे स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कोट 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसका भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पे देखिए ये बट्टा में है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 है ना, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों के लिए, ये जो स्क्वायर है वो 1 के लिए भी है और यहाँ पे 2 के लिए भी है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा, और यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है 2 दो बार यहाँ पे गुणा होगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ यानी 1 दो बार गुणा होगा, तो 1 में 1 से जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 बट्टा। फिर देखिए यहाँ पे ये भी ये स्क्वायर किसके लिए है 2 के लिए भी है और √3 के लिए भी है, तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, और बट्टा यहाँ पे देखिए √3 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो √3 दो बार गुणा होगा, तो यहाँ पे √3 दो बार गुणा हुआ तो ये कितना हो जाएगा √9 हो जाएगा, और √9 का यहाँ पे वर्गमूल कितना होता है 3, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3। प्लस यहाँ पे देखिए 1 का फिर स्क्वायर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देना है, इसके भी नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देना है। अब आप देख सकते हैं कि ये क्या बन गया, ऊपर भी बट्टा का जोड़ बन गया और नीचे भी बट्टा का जोड़ बन गया। तो अब आपको सिंपल जो आप यहाँ पे जो पांचवा छुआ में जो बट्टा का जोड़ सीखे हैं वो आपको यहाँ पे क्या करना है बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 4 और 1 का लघुत्तम कितना होगा यहाँ पे 4 होगा, 4 से 4 एक बार में कटेगा यानी ऊपर में 1 होगा, प्लस यहाँ पे 1 में 4 से भाग देंगे 4 बार में, तो यहाँ पे 4 से गुणा होगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा बट्टा यहाँ पे 3। 1 का लघुत्तम कितना होगा यहाँ पे 3 होगा, 3 से 3 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 4 एक बार में, और यहाँ पे देखिए 1 से 3 3 बार में कटेगा तो यहाँ पे 3 से जब 1 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ऊपर में जोड़ लीजिए 4 1 5 और बट्टा के नीचे 4 है तो 4 ले लीजिए, और फिर ये बड़ा बट्टा है तो बड़ा बट्टा देंगे, 4 3 कितना हो जाएगा ऊपर में 7 और बट्टा के नीचे यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अब आपको क्या करना है, जो ये बट्टा का ये जो बड़ा बट्टा है इसको आपको तोड़ना पड़ेगा यानी इसको हटाना पड़ेगा। तो जब इसको हटाएंगे तो ये चला जाएगा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला ये क्या होता है नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5/2 यहाँ पे 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको जो ये बड़ा बट्टा है इसको जब जैसे ही हम गुणा में बदलेंगे तो ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ चला आएगा यहाँ पे नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 और यहाँ पे 7 4
कितना हो जाएगा 28, जो क्या है यहां पे बिल्कुल ही सही जवाब है। तो बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। तो इन सभी प्रश्नों के लिए सबसे यहां पे मेन चीजें यानी सबसे महत्वपूर्ण चीजें आपका वो त्रिकोणमिति का जो टेबल होता है, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। यहाँ पे जो a है, इसी a का यहाँ पे क्या करना है आपको, मान निकालना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को समझने से पहले आप लोग एक इस प्रश्न को बनाने से पहले आप लोग एक बात समझ लीजिए और बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर हम साइन a का फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस a हो जाएगा, होता है। तो अब देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को बनाने के लिए यहाँ पे हमको a का मान निकालना पड़ेगा। तो a का मान कैसे निकलेगा, जब यहाँ पे cos कटेगा या sin कटेगा, तो हम यहाँ पे sin 3a का यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। तो sin 3a को फॉर्मूला लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए sin, अगर हम यहाँ पे 3a का फॉर्मूला लिखते हैं sin 3a, तो साइन 3a का फॉर्मूला कैसे लिखाएगा, तो यहाँ पे देखिए a है, यही ना a यहाँ पे है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे कि यहाँ पे देखिए cos है तो cos लिख देंगे, और यहाँ पे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री, और यहाँ पे देखिए यही ना जो कोण है वो यहाँ पे है, तो ये जो कोण है इसको हम लोग कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। यानी ये फॉर्मूला निकल गया कि साइन 3a का फॉर्मूला क्या होगा, तो cos 90 डिग्री माइनस 3a, cos 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे साइन 3a होगा। जैसे ये होता है साइन a बराबर क्या होता है cos 90 डिग्री माइनस a, उसी तरह इसका एंगल कितना है यहाँ पे 3a, तो यहाँ पे भी रख देंगे हम 3a। तो अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे हल करना है, और जो यहाँ पे प्रश्न दिया है तो उसको सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है। तो साइन यहाँ पे लिख देंगे 3a बराबर यहाँ पे क्या दिया है cos a माइनस यहाँ पे क्या दिया है 26 डिग्री दिया है। तो अब देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ से cos हमको हटाना पड़ेगा और साइन भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी हमारा a का मान निकलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये तो फॉर्मूला बन चुका है पहले का ही, अब इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमको चेंज करना पड़ेगा। तो इसके बदले में यहाँ पे देखिए फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे साइन 3a का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, तो cos क्या होगा यहाँ पे, cos 90 डिग्री माइनस 3a, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला होगा, cos 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू क्या होगा sin 3a। तो sin 3a के जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 3a। तो यहाँ पे देखिए sin 3 है, इसके जगह पे हम लिख देंगे cos 90 डिग्री माइनस 3a, ये हम क्या कर देंगे, लिख देंगे बराबर। यहाँ पे देखिए इसको नहीं चेंज करना है, इसको वैसे ही आपको छोड़ देना है, यहाँ पे हो जाएगा 26 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये भी कॉस आ गया और ये भी कॉस आ गया, ये कट गया, इसी को कटाने के लिए हम साइन 3a का यहाँ पे फॉर्मूला यूज किए हैं। तो साइन 3a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a। तो उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला जो बताए हैं आपको समझ में आ गया है, समझ में आ गया है तो एक बार कॉमेंट करके लिख दीजिए यस यस समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा, तो इधर अब क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 90 डिग्री माइनस 3a बराबर यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, a माइनस यहाँ पे 26 डिग्री बचेगा। अब हमको a का मान निकालना है, तो a को यहाँ पर इधर भेज दीजिए और ये जो 90 डिग्री है उसको बराबर के उधर भेज दीजिए। तो इधर यहाँ पे देखिए माइनस 3a है, तो माइनस 3a रहेगा, और यहाँ पे देखिए प्लस a है जो बराबर के इधर आएगा, तो ये माइनस a हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पहले से ही माइनस 26 डिग्री है, तो यहाँ पे पहले से माइनस 26 डिग्री लिख देंगे, और 90 डिग्री को हमें बराबर के उधर ले जाना है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लस में है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वो प्लस में होता है। तो यहाँ पे भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पे देखिए माइनस 3a और माइनस 1a कितना हो जाएगा, यहां पे माइनस 4a हो जाएगा, और यहां पे देखिए माइनस 26 डिग्री और माइनस यहां पे 90 डिग्री, इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 26 डिग्री और यहाँ पे माइनस 90 डिग्री जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 100 यहाँ पे 16 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 4 a में गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो 4 है उसको यहाँ पे बराबर के उधर भेज देंगे, तो ये भाग करेगा, यानी 116 4 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4। तो अब यहाँ पे कटाएंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और इसमें से गया यहाँ पे 3, तो 4 नवा कितना हो जाएगा 36, यानी ये कितना हो गया, a बराबर कितना निकल गया यहाँ पे 29 डिग्री, जो काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न ये बोर्ड एग्जाम में रहता है, बस आपको यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, हमको पता है कि ये कैसे होता है, तो एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो वो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका एक बार और समझा देते हैं, यहाँ पे देखिए थीटा का मान कितना है,
ए है, तो यहाँ पे देखिए आपको फॉर्मूला पता होता है कि साइन ऐसे भी इसको लिखा जाता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो थीटा यहाँ पे होता है वही थीटा यहाँ पे आपको रखना होता है। यहाँ पे देखिए ए है तो यहाँ पे भी ए रखा गया, यहाँ पे थीटा कितना है 3a है तो यहाँ पे भी थीटा आपको क्या रख देना है 3a। तो साइन 3a का फॉर्मूला आपको खुद से बनाना पड़ेगा, साइन 3a का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा कॉस 90 डिग्री माइनस 3a। तो बस यहाँ पे आपको जो साइन 3a है इसके जगह पे कॉस 90 डिग्री माइनस 3a रख देना है। जैसे ही आप रखिएगा तो ये कॉस और ये कॉस कट जाएगा, उसके बाद इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए चार नंबर प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए दो वृत्त है, एक वृत्त ये है और एक थोड़ा सा छोटा है क्योंकि इसका त्रिज्या छोटा है। तो यहाँ पे देखिए एक वृत्त ये है, इसका त्रिज्या हम R1 मान लेते हैं क्योंकि इसमें दो वृत्त का बात कर रहा है, तो इसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या हम R2 मान ले रहे हैं और ये कितना है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। बोल रहे हैं यहाँ पे कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे बोल रहे हैं अब आगे देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी एक और वृत्त है उस वृत्त का यहाँ पे आपको क्या निकालना है त्रिज्या निकालना है। तो इसके वृत्त की त्रिज्या हम क्या मान लेंगे R3 मान लेंगे। उस वृत्त की त्रिज्या निकालिए जिसकी परिधि, परिधि किसको बोला जाता है इसको, तो मतलब इसकी परिधि ये जो वृत्त है इसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इसकी जो परिधि है वो इसकी परिधि और इसकी परिधि को जोड़ दिया जाए तब ये इसके बराबर आता है। तो क्या करना है यहाँ पे कि उस वृत्त की यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे जो त्रिज्या है R3 इसी को निकालना है। इसकी जो परिधि होगी वो इस वृत्त और इस वृत्त की जो परिधि होगी उसको जोड़ दिया जाएगा तब उसके क्या होगा यहाँ पे बराबर होगा। अगर मान लीजिए आपको समझाने के लिए लिखते हैं इसकी परिधि यहाँ पे क्या है 5 है तो इसकी परिधि यहाँ पे 3 होगी और 2 होगी, इन दोनों परिधियों के योग के ये क्या है बराबर है तो अभी हो पाएगा यहाँ पे 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। इसकी परिधि और इसकी परिधि जब जोड़ेंगे तब ये तीसरे परिधि के यहाँ पे बराबर आएगा। तो उम्मीद करते हैं अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया है तो आप लोग बिल्कुल देखते जाइए, हम बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो आइए इसे बनाते हैं हम कि कैसे इसको यहाँ पे बनाया जाएगा। सबसे पहले जो दिया है उसका यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि ये पहला वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है और ये तीसरा वृत्त है, तीसरा वृत्त का यहाँ पे क्या निकालना है हम लोग का त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल और जो जो दिया है यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देंगे पहले वृत्त का त्रिज्या, यहाँ पे लिख देंगे पहले वृत्त का त्रिज्या, यहाँ पे लिख देंगे पहले वृत्त का त्रिज्या। पहले वृत्त के त्रिज्या को क्या माने हैं R1, यानी R1 का मान कितना है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिखेंगे हम दूसरे वृत्त का त्रिज्या, यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वृत्त का त्रिज्या और दूसरे वृत्त का त्रिज्या क्या माने हैं R2, तो यहाँ पे R2 ये कितना दिया है 6 सेंटीमीटर तो यहाँ पे लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। तीसरे वृत्त का त्रिज्या क्या माने हैं यहाँ पे R3 है तो यहाँ पे लिख देंगे हम तीसरे वृत्त का त्रिज्या, यहाँ पे लिख देंगे तीसरे वृत्त का त्रिज्या क्या माने हैं R3। इसी को क्या करना है हमको निकालना है, ये हमें पता नहीं है तो इसे निकालने के लिए एक यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में कि जो इसकी यहाँ पे परिधि है वो इन दोनों परिधियों के क्या है योग के बराबर है। यानी पहली वृत्त की जो परिधि है यहाँ पे लिख देते हैं पहले वृत्त की परिधि प्लस क्या होगा यहाँ पे दूसरे वृत्त की परिधि बराबर किसके है ये तीसरे वृत्त के परिधि के, ये क्या है बराबर है तीसरे वृत्त का परिधि। यहाँ पे देखिए क्या है आप लोग एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो तीसरा वृत्त है यानी यह वृत्त है इसकी जो परिधि है वो इन दोनों यहाँ पे वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। यानी इसका परिधि और इसका परिधि जब हम जोड़ेंगे तो निकलेगा हमको कौन सा मान निकलेगा कौन सा परिधि निकलेगा तो ये तीसरे वृत्त का यहाँ पे परिधि निकलेगा। तो यहाँ पे कर दिए हम पहले वृत्त का परिधि प्लस दूसरे वृत्त का परिधि, इन दोनों परिधियों को जोड़ेंगे तो ये तीसरे वृत्त के परिधि के क्या है बराबर है। तो यहाँ पे देखिए वृत्त के परिधि का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए तो ये होता है 2πr, लेकिन इसका आर क्या है आर
R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, तो इसी के हिसाब से हम लोग रखेंगे 2π। वृत्त का परिधि के क्या फॉर्मूला होता है, 2π, और पहले वृत्त का त्रिज्या यहाँ पे R1 है तो यहाँ पे लिख देंगे R1 प्लस है तो यहाँ पे देंगे प्लस, दूसरे वृत्त का परिधि यहाँ पे क्या है R2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2π, यहाँ पे लिख देंगे R2 बराबर है तो यहाँ पे बराबर, तीसरे वृत्त का परिधि कितना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए 2π और तीसरे वृत्त का परिधि यहाँ पे R3 है तो यहाँ पे लिख देंगे R3। अब आपको देखना होगा कि 2π इसमें भी है, 2π इसमें है, इसमें भी है, 2π इसमें भी है, तो यहाँ पे देखिए ये बराबर के उधर है लेकिन ये दोनों बराबर के इधर है, लेकिन R1 दोनों का यहाँ पे R1 है, ये R2 है, त्रिज्या आपस में बराबर नहीं है, तो इसमें देखिए 2π इसमें भी है, 2π इसमें भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, यानी दोनों में है, उभयनिष्ठ है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से बचेगा R1 प्लस यहां से क्या बचेगा हम लोगों का यहाँ पे R2 बचेगा, और उधर क्या बचेगा यहाँ पे 2π R3 यहाँ पे क्या हो जाएगा बचेगा। अब आपको क्या करना था यहाँ पे कि जो ये 2π 2π दोनों में है, दोनों में क्या कर लेना है कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे देखिए 2π से यहाँ पे 2π क्या हो जाएगा कट जाएगा, इधर बचेगा R1, इधर बच गया हम लोगों का R1 प्लस यहाँ पे बच गया R2 बराबर यहाँ पे बच गया R3। अब आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए कि R1 का मान रखना है, तो R1 का मान कितना है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर तो यहाँ पे लिख देंगे 8 सेंटीमीटर, R2 का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे लिख देंगे 6 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ पे देखिए R3 का मान कितना है, R3 का कुछ भी मान नहीं है, इसको निकालना है तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे, 8 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का R3 का मान कितना निकल गया, यानी तीसरे वृत्त का यहाँ पे त्रिज्या कितना निकल गया, बोल रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या निकाले, यानी उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितना होगा यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, जो R3 होगा वो कितना होगा यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, तो आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न यहाँ पे, अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो बिंदुओं यहाँ पे देखिए जो दो बिंदुओं A 2 3 और यहाँ पे B 4 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, बोल रहा है कि एक A बिंदु है और ये एक B बिंदु है, इसका निर्देशांक A का कितना है यहाँ पे 2 है, 2:3 है, और इसका निर्देशांक कितना है यहाँ पे 4:5 है, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A 2 3 और यहाँ पे B 4 5 को मिलाने वाली रेखाखंड, यानी ये जो मिलाने वाली रेखाखंड है इसको क्या कर रहा है, एक बिंदु है कि 2:3 में विभाजित कर रहा है, माने इसको यहाँ पे काट रहा है, तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं P, तो यहाँ पे देखिए ये 2:3 में विभाजित कर रहा है, यानी पहला अनुपात 2 है और दूसरा अनुपात क्या है यहाँ पे 3 है, तो जो ये P बिंदु है उसका हम लोग का क्या करना है निर्देशांक निकालना है, तो यहाँ पे देखिए तो आइए यहाँ पे बनाते, तो ये किस फॉर्मूला पे बनेगा, तो जो विभाजन सूत्र होता है M1x2 + M1x1/2 इसी पे ये क्या होगा यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको x1 x2 यहाँ पे M1 M2 यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए x1 यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल और सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x1 का मान कितना होगा यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और x2 का मान कितना है तो x2 का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 है तो यहाँ पे रख देंगे 4। उसके बाद यहाँ पे देखिए y1 का मान निकालना पड़ेगा तो y1 का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 है तो 3 और y2 का मान कितना है यहाँ पे तो y2 का मान 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5। फिर आपको जरूरत पड़ेगा M1 क्या होता है जो पहला अनुपात होता है पहला अनुपात 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और M2 यानी ये होता है दूसरा अनुपात कितना है यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब देखिए यहाँ पे P बिंदु का हमको क्या निकालना है निर्देशांक निकालना है कि वो बिंदु क्या है P है जो इस लाइन को कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है 2:3 में तो यहाँ पे लिखेंगे हम P बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे निकालेंगे हम लोग पी बिंदु का निर्देशांक तो पी बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे होगा M1 x2 + यहाँ पे क्या होगा M2 x1/M1 + क्या होता है यहाँ पे M2 ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए M1 y2 + M2 y1 / क्या होता है यहाँ पे M1 + क्या होता है यहाँ पे M2 होता है तो ये आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। अब बस आपको क्या करना है इसीलिए हम यहाँ पे X1 X2 और यहाँ पे Y1 Y2 देख के लिखे M1 M2 तो जो अनुपात होता है वो M1 M2 होता है और ये इसको तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पहला बिंदु होता है उसमें एक X1 का मान होता है एक Y1 का मान होता है दूसरे बिंदु में एक X2 का मान होता है एक क्या होता है Y2 का मान। अब बस इसी में आपको क्या कर देना है रख देना है M1 का मान कितना है 2 है तो
यहां पर रख देंगे हम 2, गुणा एक्स टू का मान कितना है तो 4 है, तो यहां पर रख देंगे 4। प्लस आपको बस ध्यान से रखना है, ये मिस्टेक आपसे नहीं हो, बस इतना ही कि आपको ध्यान में रखना है। m2 कितना है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे रख देंगे 3। x1 कितना है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2। बट्टा यहाँ पे देखिए m1 प्लस m2, यानी m1 कितना है 2, m2 कितना है यहाँ पे 3, तो 2 और प्लस यहाँ पे क्या रख देंगे 3। m1 यहाँ पे कितना है, तो m1 यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2। y2 यहाँ पे अब देखना है, y2 5 है, तो यहाँ पे रख देंगे 5। m2 कितना है यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 है, तो m2 यहाँ पे 3 लिख देंगे। y1 कितना है, तो y1 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे रख देंगे 3। बटा यहाँ पे m1 प्लस m2, यानी 2 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ऊपर में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और प्लस यहाँ पे 3 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ 6, और नीचे में देखिए 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, कोमा इसको भी गुणा कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दूना 10, और यहाँ पे 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, और बट्टा के नीचे यहाँ पे कितना है 5 है। अब ऊपर का आप लोग जोड़ लीजिए, 8 6 कितना हो जाएगा 14 बट्टा 5, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 19 बटा 5। ये क्या निकल गया हम लोगों का, पी बिंदु का निर्देशांक। यही जो पी बिंदु है इस लाइन को क्या कर रहा है यहाँ पे कि 2:3 में विभाजित कर रहा है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, अगर बोले कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ए और बी एक मिलाने वाली रेखाखंड है उसको 2:3 में विभाजित करे, या ऐसा प्रश्न कोई भी हो अगर बोले कि उस बिंदु का आपका निर्देशांक निकालना है, तो किसी भी बिंदु के लिए निर्देशांक निकालने के लिए जब अनुपात दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो विभाजन सूत्र वाला फॉर्मूला लगता है, जो होता है m1 प्लस m2, m1 m2 plus m2 x1 बटा m1 plus m2। ये होता है x का मान और ये होता है y का मान। y में क्या हो जाएगा यहां पे m1 y2 plus m2 y1 बटा m1 plus m2। बस आपको यहाँ पे m1 x2 जो भी है इसका यहाँ पे मान रखना है, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से यहाँ पे रखना है। m1 क्या होगा, जो पहला अनुपात होता है ये क्या होता है m1 होता है, और जो दूसरा अनुपात होता है ये क्या होता है यहाँ पे m2 होता है। x1 y1 तो आप पहचानते ही हैं, बस आपको क्या करना है इसमें रख देना है, आपका मान क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।